मानवीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे क्रीमी पास्ता। सबसे पहले मैंने हाफ के जी चिकन लिया बोनलेस और इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टेबल स्पून आप यहाँ पे जीरा ऐड करोगे, हाफ टेबल स्पून आप रेड चिली फ्लेक्स डालोगे, हाफ टेबल स्पून ही हम लोग रेड चिली पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे और साथ में हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की थी। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक टेबल स्पून कलवंजी और फिर इसके बाद मैंने सोया सॉस चिली सॉस डाला 2-2 टेबल स्पून। इनको डालने के बाद आप 1 कप दही ऐड करोगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे 1/3 टीस्पून मैंने फूड कलर ऐड किया था ताकि हमारे चिकन के अंदर जो है वो एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट कुकिंग करते वक्त अच्छा लगता है। मुझे चिकन मैरिनेशन का पार्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालेंगे और हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के। अब बारी आती है हमारे चिकन को प्रिपेयर करने की। सबसे पहले 2 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है पैन के अंदर, उसके बाद आप यहाँ पे चॉप किए हुए अनियंस डालोगे, इनको अच्छी तरह से कुक करना है। और यहाँ 1/2 कप मैंने अनियंस लिए थे, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर यहाँ पर हम लोग अपना मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज अच्छी लगी या नहीं। यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और चिकन को कुक करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता और इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। 1/2 कप मैंने यहाँ पे ऐड किया है टमाटर और ये भी चॉप किए हुए थे, इनको भी अच्छी तरह से कुक करना है। टमाटर बीच में साबित नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम थोड़ा टमाटर को कुक करेंगे। तो चिकन ऑलमोस्ट जो था वो कुक हो चुका था तो फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए वेजिटेबल्स। आप ऑप्शनल है, आप जो वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंद गोभी और शिमला ऐड की थी। अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर, और इनको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। वेजिटेबल अगर हाफ कुक्ड हो तो वो बहुत अच्छे लगते हैं पास्ता के अंदर। तो अच्छी तरह से इसको भी हम लोग मिक्स करेंगे ताकि ये भी स्पाइसेस के अंदर कोट हो जाए और चिकन को मज़ीद थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। इतना अच्छा कुक करना है कि जब आप चिकन को पास्ते को खाओ तो आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए और टेस्ट आए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑलमोस्ट कुक हो चुका था सब कुछ यहाँ पे और हमारे जो वेजिटेबल ऐड किए थे वो भी हाफ कुक हो चुके थे। तो यहाँ पे ये हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पैक जो था वो मिल्क ऐड किया था और 1 पैक ही मैंने यहाँ पे डेरी क्रीम ऐड की थी जो सिंपल डेरी क्रीम होती है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सॉस की फॉर्म में आ जाए और नीचे फ्लेम जो वो लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। इसकी थिकनेस एक्स्ट्रा हो जाएगी, हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हैंड विस्कर का यूज़ करते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसके बाद हम थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया ऐड किया था जिसको मैंने पीस लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की थी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद आपका जो पास्ता है आप वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पास्ता ऑलरेडी बॉइल कर लिया था। बॉइल करते वक्त आपने नमक और ऑयल डालना है ताकि हमारा जो पास्ता वो स्टिकी स्टिकी ना हो जाए। अब जो हम लोगों ने चिकन बनाया था हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद भी आपने थोड़ी देर के लिए इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से नमक थोड़ा सा ऐड किया था और जितना आपको नमक रिक्वायर्ड हो आप उतना डालिएगा। अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए सॉस की, एक अच्छी सी लेयर आ जाए पास्ते के ऊपर, पास्ते के अंदर एक फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। सॉस का जो फ्लेवर है वो जबरदस्त आ जाएगा जब आप इसको थोड़ी देर कुक करोगे। तो यहाँ पर हमारा पास्ता जो वो रेडी हो चुका है, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है, बहुत ही जबरदस्त और क्रीमी, इतना फ्लेवरफुल था। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने जरूर लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।